सो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मासूम छत्री और आप देख रहे हैं टेक्निकल गैजेट। और इस बॉक्स में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आपको थंबनेल से तो पता चल गया होगा, इसमें कैमरा है फूजी फिल्म का। अब सबसे पहले मैं इसको करता हूँ अनबॉक्स, बट ये मेरे स्टाइल में करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसको करते हैं अनबॉक्स। सो फ्रेंड्स, लेट्स अनबॉक्स दिस डिवाइस। वैसे ये डिवाइस बोलना चाहिए, वैसे ये कैमरा है। OMG, ये उल्टा है, बट वाओ, इट्स सो अमेजिंग। मतलब इसको फेंक दे रहे हैं, ये इसका कोई काम हो, इसको इसका बिल्कुल काम नहीं है। सो फ्रेंड्स, बॉक्स ओवरव्यू दूंगा। सामने में आपको कैमरे का फोटो मिलेगा, ये इंस्टा मिनी 8 है, 9 नहीं है, सेम टू सेम है। बस यहाँ पे 9 में मिरर जोड़ दिया गया है, मिरर प्रोसेसिंग, मिरर सब चीज़ सेम है। ओके, एंड इसके साथ आपको बंडल मिलेगा 20 फोटोज़, इसलिए मेरे ख्याल से आपको ये परचेज करना चाहिए। 1000 रुपये आपके बच जाएंगे। अगर आप पीछे अगर आप सामने देखेंगे तो पीछे में तो कुछ इस तरह के स्पेसिफिकेशन से आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ तो मिनी 8 इंस्टा कैमरा एंड फिल्म लिखा गया है, 1 यूनिट है, 6,550 रुपीज़ लिखा गया। बट ऐसा नहीं है, ये बहुत मीन्स मेरे को कम में मिला है, ये करीबन 4,500 का मेरे को मिला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। एक्सपायरी डेट का कोई कुछ है नहीं, यहाँ पे एक सील लगा के दी गई है। ओके, सो सील ब्रेक हो चुकी है एंड वाओ, अब बहुत अच्छा आपको मज़ा आने वाला है। एंड आप देख सकते हैं सामने में कुछ स्टिकर्स दिए गए हैं, पॉम्पलेट जो भी बोलो, वारंटी कार्ड है, सॉरी है, ठीक है। इतने सारे मॉडल्स में इंस्टा कैमरा आते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं साइड रखता हूँ, ठीक है, इसको साइड रख देते हैं। अब आता है, ये तो छोड़ो, ये है मेन चीज़ जिसकी वजह से मैंने ये लिया बॉक्स। मैं इंस्टा का मिनी 9 ले सकता था बट ये नहीं मिलता उसमें। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो चीज़ है यही है इसका मेन, ये है फोटोज़। इसको भी साइड, इसको पहले चेक करते हैं। ओके 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 ओके, तो यहाँ पे दो मेरे को मिला है, मीन्स इसमें है 20 फोटोज, 10x2, मीन्स एक पीस में आपको दो मिलेगा। जी हाँ, इसमें आपको 10 फोटो मिलेंगे, इसमें आपको 10 फोटो मिलेंगे, ठीक है। सो इसको भी मैं यहाँ पे यहीं पे साइड में रख देता हूँ, ठीक है। अब ये है मेन बॉक्स, इसको थोड़ा उठाते हैं एंड बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए इस बॉक्स को भी साइड रख देता हूँ मैं। ये जो है, ये है मेन चीज़ जो है इंस्टा मिनी 8। प्लीज़ अगर मैं ये बोलूँगा कि कमेंट मत करना कि ये 9 लेना था, बिकॉज मेरे को मीन्स 1000 रुपये की चीज़ मेरे को फ्री में मिल रही है। सो ये हो चुका है अनबॉक्स, यहाँ पे से ऐसे खुलेगा एंड देन ये शायद ऊपर आएगा, आई थिंक सो, या एंड ये साइड, ये साइड एंड कुछ मैनुअल दिए गए हैं, इसको तो कोई पढ़ता नहीं है। एंड हियर इट इज़ इट, यहाँ पे एक फ्लैप दिया गया है जहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ये, विच इज़ इंस्टा मिनी कैमरा। इसको भी यहीं पे रखते हैं, इसको भी मैं चेक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ वारंटी एंड स्टफ आपको देखने मिलता है एंड ये कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, AA बैटरीज या AAA बैटरीज जो भी बोला जाए। 100 फोटोज़ तक मेरे ख्याल से ये चल जाना चाहिए, आई थिंक सो। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ दिस, इसको साइड रखते हैं, थोड़ा जूम करते हैं एंड फोकस करते हैं। सो ये है इंस्टा मिनी 8 कैमरा। ओ यार, ये आप पकड़ोगे हैंड, मतलब हाथ में, तो जो फील आएगी वो बहुत अच्छी है, ठीक है। सो ये है कुछ इस तरह का, ठीक है। अगर मैं पास से दिखाऊं, सो ये है पास से, यहाँ से आपको ग्रिप मिलेगी, ये है जो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। एंड ये मेन लेंस जो खुलने वाला है एंड यहाँ पे कुछ मोटर मीन्स ये जो ये सेट कर सकते हो, मीन्स कहाँ पे आप खींच रहे हो, ठीक है। यहाँ से फ़ोटो निकल के आएगी। फ्रंट अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो ये है मेन आपका कैमरा, ठीक है, लेंस।
एंड ये है शटर रिलीज बटन, मीन्स आप इसको प्रेस करोगे तो ऊपर से फोटो आएगी। ये है ज़ेनॉन फ्लैश, जी हाँ ये है ज़ेनॉन फ्लैश। ये है सेंसर की जो ऑब्जेक्ट है वो कितना दूर है, यहाँ लिखा गया इंस्टा मिनी 8। एंड अगर मैं फ्रंट की ओर बताऊँ तो फ्रंट की ओर ये जो पैच यहाँ पे आपका लगेगा, जो आपको मिला है ये फोटोज, ये यहाँ पे लगेंगी। ये है मेन आपका कैमरा एंड प्रिंट होंगी, ठीक है, येलो येलो टू येलो डॉट मैं सब बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे, जी हाँ यहाँ पे आपको एस दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिखेगा कितनी फोटोज बची हैं। एंड ये है स्ट्रैप, आप स्ट्रैप लगा सकते हैं। बैटरी का कंपार्टमेंट यहाँ पे है, इसको थोड़ा नीचे खींचना है एंड यहाँ पे आप डाल सकते हो। एंड इसको फिर से मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। सो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं ये है आपका, ये है मेन आपका फोटोज़, ठीक है। ये जो येलो पॉइंट है उसको, ये वाले येलो पॉइंट आपको मैच करना है, ठीक है। इसको प्रेस करके जैसे निकालोगे कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। ये जो येलो पॉइंट है इसको आपको यहाँ डालना है, ठीक है, एंड इसके साथ मैच करना है कुछ इस तरह, ठीक है। एंड उसके बाद ये फ्लैप को बंद करना है एंड जस्ट लाइक दिस, ठीक है। एंड उसके बाद आपको करना है आपका जो कैमरा है वो है ऑन। फ्रेंड्स अभी अगर मैं बोलूं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मैं क्या क्या करता हूं, पहले मैं डालता हूं बैटरीज। फ्रेंड्स अभी मैं बता दूं कि कैसे आपको लगाना है बैटरीज को, मैंने गलत लगा दिया था। तो जो ये वाले नीचे वाला में जो लगेगा बैटरी वो कुछ इस तरह का, जो प्लस साइन होगा वो नीचे साइड होगा और ऐसे लगेगा, और जो ऊपर वाला ऐसे लगेगा, आप देख सकते हैं। एंड इसीलिए ये कैमरा ऑन नहीं हो रहा था एंड इसको मैं स्लाइड कर दिया। एंड अब मैं करता हूँ इसको ऑन एंड आई थिंक सो अब हो गया होगा ये, ओके। तो यहाँ पे लाल लाइट जल रही है, ठीक है, मतलब ये जो है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऑटो मोड में ये जा चुका है कैमरा। एंड जब मैं जो फर्स्ट फोटो क्लिक करूँगा तो वो ब्लैंक आएगी, जी हाँ वो फोटो नहीं आएगी, वो सिर्फ जो ये है ये वाला, इसका सिर्फ फर्स्ट वाला पेज आएगा, ठीक है। सो इसको बंद करते हैं ऐसे, एंड मैं थोड़ा यहाँ पे रखता हूँ। एंड सामने ये है शटर रिलीज बटन एंड आई नो मेरे को पता था ये क्या हो रहा है इसलिए मैं आपको बता दिया। बट जो अब नेक्स्ट पिक आएगी वो आएगी, मींस मैं जिसकी भी पिक लूंगा उसकी आएगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स अभी मैं खींचने वाला हूँ मेरी बहन का फोटो एंड उसके बाद आपको पूरा चीज़ पता चलेगा कि ये कैसे पूरा काम करता है, ओके। सो फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ मेरी बहन का फोटो, तो ओके। सो सबसे पहले ऑन करना पड़ता है, ये तो मैं भूल ही गया था। सो ये हो चुका है ऑन, आई थिंक सो या ये हो चुका है ऑन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड यहाँ पे भी दिखा रहा होगा। सो मैं एक फोटो खींचता हूँ, उसके बाद वो फोटो कैसे आता है वो आपको मैं बताता हूँ। ये जो फोटो है उसको डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ओके। ये फोटो धीरे धीरे डेवलप हो रही है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। एंड अब मेरे को कुछ नहीं करना है एंड अब थोड़ा वेट करना है, आप देख सकते हैं ये हो रहा है इसका कलर चेंज। सो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हो धीरे धीरे उसका कलर हो रहा है चेंज एंड जो फोटो है वो बहुत ही अच्छी आई है। थोड़ी देर में ये पूरी डेवलप हो जाएगी और बहुत ही अच्छी क्रिस्प एंड क्लियर दिखेगी। आप देख सकते हैं पीछे आपको कुछ इस तरह का मिलता है एंड सामने आपको फोटो मिलती है आपकी। नीचे में आपको एक ऐसा जगह मिलता है जहाँ पे आप लिख सकते हैं फोटो या फिर कुछ भी मेमोरीज, डेट, नेम, कुछ भी आप लिख सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं कितने अच्छे से डेवलप होके आ गई है। सो फ्रेंड्स अगर मैं बोलूँ ये जो कैमरा है वो बहुत अच्छा है इंस्टेंट पिक्स के लिए, बट अगर आपको बहुत सारे फ़ोटो लेने का शौक़ है तो नो चांस, बिकॉज इसमें जितने आपके पास पिक्स हैं उतनी आप फ़ोटो खींच सकते हैं, ओके। सो मेरे पास अभी 20 थे, अभी एक फ़ोटो मैंने खींचा, टोटल 19 हो चुके हैं। अब जो मैं क्वालिटी देख रहा हूँ वो काफ़ी अच्छी है एंड द ज़ेनॉन फ्लैश वर्क परफेक्टली फाइन एंड जो फ़ोटो आई है वो डोप आई है, जी हाँ बहुत अच्छी फ़ोटो आई है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ोटो आई है। एंड आई मस्ट से कि अगर आपको मेमोरीज बनाने हैं तो डेफिनेटली यू कैन बाय दिस कैमरा एंड नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से खरीदिए तो आपको एक तो डिस्काउंट मिलेगा प्लस आपको 20 फोटोज फ्री में मिलेंगे, जी हाँ।
सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो चेक दैट आउट. ओके सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मुझे झेल लिया है, सो फ्रेंड्स इस कैमरे के लिए एक लाइक तो बनता है. ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, और यार अगर लाइक्स मिल जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है. सो फ्रेंड्स, मैं मिलूंगा अगले किसी वीडियो में आपसे, तब तक लिए बाय बाय. और इस कैमरे के लिए एक लाइक बनता है, एक शेयर बनता है, और एक कमेंट भी बनता है, और डेफिनेटली कमेंट करना मत भूलना. सो फ्रेंड्स, मैं मिलूंगा अगले किसी वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय.